हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.3 एक्सरसाइज और देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। तो चलिए, हमारे पास बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो बेटा, सम ऑफ एन टर्म्स वाला फार्मूला जो है वो इसमें यूज़ होगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, आपको पता है बेटा ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन यहाँ पे क्या है बेटा, अगेन नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी आप देख के आए हैं nth टर्म में। ओके, तो ये वाला सम ऑफ एन टर्म्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला यूज़ होगा। मतलब आपको कोई भी किसी भी कितनी भी टर्म्स का सम निकालना है तो आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ओके, और बेटा आपके पास एस एन का एक और फार्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, एल का मतलब है लास्ट टर्म। अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के भी सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला ये वाला लगा के भी आप सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, सम निकालना है आपको। फर्स्ट है आपके पास ये पार्ट 2 7, मतलब ए पी आपको दिए गए हैं ये वाले, तो आप लिखेंगे ए पीज 2 7 12, 2 10 टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपने क्या समझा कि 10 टर्म्स तक ये ए पी है, तो 10 क्या है यहाँ पे, एन। तो एन हमारे पास यहाँ पे 10 है, ए हमारे पास यहाँ पे 2 है, और डी हमारे पास 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आ गया आपका डी। अब आप निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, वो आएगा एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, वैल्यू डालेंगे अभी आप, एन क्या है 10 और ए क्या है आपके पास 2, एन 10 माइनस वन कितना हुआ, 10 माइनस वन करना आपको, डी कितना आपके पास 5। चलिए यहाँ पे क्या आ गया 5, 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 5 ज़ा 45, और ये कितना आ गया अभी आपके पास 5 मल्टीप्लाई में 50। ठीक है, तो कितना हुआ 5 5 ज़ा 25, 250 आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड वाला आप देखेंगे, सेकंड एपी बेटा आपको ये दिए गए हैं, ये लिखेंगे आप एपी माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 टिल 12 टर्म्स तक दिए गए हैं। कहाँ तक दिए गए हैं, 12 टर्म। एन कितना आ गया 12 आ गया, ए कितना आ गया माइनस 37, डी कितना आ गया माइनस 33 माइनस माइनस 37, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो माइनस 33 प्लस 37, बड़ा नंबर ये है तो माइनस होके क्या आ गया 4। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन यहाँ पे क्या चल रहा है 12, तो 12 लिख सकते हैं, एस 12 है हमारे पास, एन 12 बाई 2, 2 ए कितना है माइनस 37 प्लस डी कितना है, सॉरी एन कितना है आपके पास 12, 12 माइनस 1 और आपके पास डी कितना है 4, कटिंग करके 6 आए यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करो 4 3 2 ज़ा 6 और 1 7 माइनस का, फिर यहाँ पे 11 4 ज़ा 44, 6 प्लस माइनस माइनस, अब कितना आ गया 30, तो माइनस 180 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए अभी आप थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट में एपी आपको दिया गया है बेटा दिस वन, ये है हमारे पास 0.6 1.7 2.8, 100 टर्म तक बोला गया है। तो मतलब 100 क्या आ गया, एन कितना आ गया 100, ए कितना आ गया 0.6, डी कितना आ जाएगा 1.7 - 0.6, तो 7 में से 6 गया 1, फिर 1.11। ठीक है, तो ऐसा आपको 100 निकालना है, मतलब 100 टर्म्स तक बोला है ना,
तो इसलिए एस क्या आ जाएगा 100, 100 बाय 2, 2 ए कितना है 0.6 प्लस 100 में से आपने 1 माइनस किया, 1.1 आपका क्या है डी चल रहा है, तो कटिंग की बेटा कितना आ गया 50, और ये मल्टीप्लाई किया 1.2 आया, प्लस 99 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1.1 के साथ, ठीक है। तो करके देखो 9 मल्टीप्लाई 1.1 तो 99 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 99 आ जाएगा, 9 यहाँ पे कितना आया 8 और ये आ गया 10, तो ये पॉइंट आ गया ये, ठीक है। ये आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 108.9 ये आ गया 50। अब इसको प्लस करेंगे 2 और 9 कितना हुआ 11.1 और 8 9, 9 और 1 10, तो यहाँ पे कितना आया 1 और यहाँ पे 1। अब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आप कितना आएगा 5 0 5 5, ये वाला 0, एक फिगर से पहले पॉइंट है, तो आपका आंसर आ गया 5 5 0 5, ठीक है। चलिए अब करेंगे आप फोर्थ वाला पार्ट इसका। फोर्थ वाले पार्ट में देखो क्या दिया आपको, ये आपको दिए गए हैं एपी 1/15, 1/12, 1/10 टिल 11 टर्म्स तक दिया गया है, ठीक है। तो बेटा एन कितना आ गया 11, ए कितना आ गया 1/15, डी कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। बेटा एलसीएम लेंगे 12 और 15 का, 12 और 15 का एलसीएम, तो आप देख रहे हैं ये दोनों नंबर 3 से हो रहे हैं, 3 4 3 5, ठीक है। तो आपके पास इवन और ऑड आ गया, तो आगे नहीं करेंगे आप, ये रफ वर्क है आपका, 5 4 20, 20 3 60 60 आ गया, तो 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 5 से, 5 आ गया ऊपर 4 4 आ गया ऊपर, तो आ गया 1/60, ये आ गया डी। तो एस 11 निकालेंगे अभी आप, एन कितना आ गया आपके पास 11 11 बाय 2, अब 2 ए कितना है 1/15 प्लस एन कितना आपका 11 11 माइनस 1 क्या हुआ 10 और मल्टीप्लाई 1/60, ठीक है। और ये 0 से 0 कट हो गया, 11/2 2/15 प्लस 1/6 ये आ रहा आपका 11/2, अगेन अंदर आपका एलसीएम आ जाएगा 6 और 15 का, 3 से हो रहा है 3 2 3 5 5 2 10 10 3 30 30, बनाने के लिए किससे करेंगे 2 से, 2 2 4 प्लस 6 30 बनाने के लिए 5, तो ये आ गया आपके पास 11/2 मल्टीप्लाई में 9/30। अब बेटा यहाँ से 3 से काटो, 3 3 9 3 10, ठीक है। अब आ गया आपके पास 33/20, तो आई थिंक यही आंसर है क्योंकि ऑड इवन हो गया, कटेगा नहीं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अभी।